सरकार की तरफ से जारी किए गए 3 ऑर्डिनेंस के बिलों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच एक किसान की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। ये तस्वीरें नवांशहर की हैं। नवांशहर शहर में मलेरकोटला में किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा था, वहीं टोल प्लाजा धरने में मौजूद एक किसान की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे एसटीएम ने पारिवारिक मेंबर से दुख साझा किया। दुख साझा करते हुए उन्होंने कहा, परिवार को जो भी घाटा हुआ है उस घाटे को हम पूरा नहीं कर सकते, मगर दुख कम करने के लिए वह उच्च अधिकारियों से बात करेंगे जिससे कि वह परिवार वालों को सहारा मिल सके। की नाम है? हरपाल सिंह पेदरी कला, जिला संगठन सकत्र संगरूर। की मामला होया, की डेथ हुई है, किवें हुई है? यह मामला यह है जी, जेड़ा हुण साडे उपर सरकार ने, मोदी सरकार ने आर्डिनेंस थोपते, सानू जेड़े धरने लाने पै गए, मजबूरी हो गई साडी। क्यों जे ये आर्डिनेंस ने जड़े ये किसानों वास्ते बहुत ज़्यादा घातक ने, ऊँ तो सैंपल है सारे देखिए सारे के घातक ने, पर यह धरने हुण सानू लाने पै गए सरकार के विरोध के विच। साडे किसान ये धरनिया के विच शहीद हो गए, 2 शहीद पहला हो गए, 3 शहीद अज ये हो गया। भी असी ये सरकार तो यह मंग करते हैं भी तैनू एक पास तू कहना करोना की बीमारी है, फिर करोना की बीमारी के तेनों एक की खड़ा की तरह काम है भी तू आर्डिनेंस साढ़े के थोपते। फिर आर्डिनेंसा के सू भी पता है भी लोग इकट्ठे हो गए, अज संघर्षा के राह पे हुए लोग जेडे साडे किसान साडे धरने के शहीदी पा गए, असी वो किसानों के वास्ते सरकार तो मुआवजा भी लवेंगे और एक परिवार के जी नौकरी भी लाके देवे। दीदी अज डैथ हुई है, की नाम से, कि उम्र से? नाम मेघनाथ है जी, मेघदास, मेघराज, चलो मेघराज। तो उम्र है उन्होंने 72 साल, तो उन्होंने परिवार के गरीबी गरीब परिवार है, छोटे छोटे पोते ने, वो पोतिया ने भी उन्होंने परिवार के अज बहुत बड़ा घाटा पै गया इस जान के नाल। भी एक यही जैसे मूहे कमाने वाला जीत जो एक परिवार के मूहे इंजन हों जो अपना वह बग जाए तो परिवार के जोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा घाटा पै जाता है। उस घाटे की पूर्ति के वास्ते हूँ असी सरकार तो ये वास्ते मुआवजा भी लवेंगे तो परिवार को नौकरी भी लेके देंगे। जेड़े इन्हों की हार्ट अटैक मौत हुई एक किसान की धरने वो संस्कार अज किए या कल किए जाए? संस्कार तो असी जथेबंदी कायदे कानून ने असी जिला टीम भी गलबात करी है, इस करके जो गरीब परिवार है यह जे संघर्षी योधे ने यह साड़ी स्टेजा की शुरुआत इन्हों तो होंगी है। एक गीतकार तीक जी जथेबंद भी बहुत बड़ा घाटा पे है, सूँ यह जो की भी लड़ है, इस करके परिवार तो घाटा पी गया। जोड़ा यह गरीब परिवार है यदि सहायता वास्ते जथेबंदी वालों से संघर्ष लड़ा, मुआवजे की मंग रखा वो तो एक नौकरी की मंग भी रखा, क्योंकि वो पोतिया ने 2-3 एक पोता छोटे छोटे बच्चे ने, यह परिवार का मोढ़ी थी, ये सिर पर सारा ढांचा चलता थी। यह तो देखो भी कि गरीब परिवार थी, यह मतलब स्टेजा से गा गा के पैसे इकट्ठे करके परिवार पालता थी, इस करके बहुत वड्डी मार पई है। यह जिम्मेवार सरकार है, मोदी सरकार है, इन्होंने परिवार को असं मुआवजा भी दवावे, एक नौकरी की मंग भी रखा। संस्कार अज किए कल किए? नहीं, संस्कार तो जो सा सानू मुआवजा जरा पूरी सहमति मिलेगी प्रशासन वालों भी हाँ असं इन इन्ना मुआवजा नौकरी देने, फिर असं सहमति तो बिना उन्ना चर असं संस्कार नहीं करते, इस तरह डिपेंड यदि फिर चिला के रखा। थोड़े को एक किसान आया डैथ होने की मामला हो? साढ़े को एमरजेंसी विच किसान यूनियन वाले लैके आए हैं, उन्होंने किसान भी लैके आए हैं, तो जो तक साढ़े को पहुंचे उन्होंने डैथ हो चुकी है। डैथ का कारण पता चल सके भी किस तरह की? कारण ਸਸਮਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ, SSB ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਸੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। थुरी से जितेंद्र पाल सिंह, क्लेयर की रिपोर्ट, लाइव भारत।